आज अच्छा माहौल है, दोनों भालू भाई की छुट्टी है। देखते हैं आज वो क्या करेंगे। और फिर उस छोटे से बनी और बंदर ने अपने विशेष उस विशिंग पैड पर बताई। उसके बाद वो हमेशा खुश थे। ठीक है, लगता है ये कहानी बड़े को पसंद नहीं आई। मुझे बहुत पसंद आई छोटे, यहाँ आओ मेरे फायर ट्रक के साथ खेलो। ठीक है। आ रहा हूँ। वहाँ पे आग लगे है, चलो। क्या वहाँ कोई रो रहा है? हा? चलो देखते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा फायर ट्रक टूट गया है मेरी गलती की वजह से। ये मेरी दादी का दिया हुआ फेवरेट गिफ्ट था। देखो इसे। छोटे, क्या हम उसका ट्रक ठीक कर सकते हैं? सच में? पर उसके दो टुकड़े हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? बड़े, बड़े, अगर हम इसे ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुन्ना, मुन्ना, हम जानते हैं ये फायर ट्रक तुम्हें कितना प्यारा है, और हमने फैसला किया है कि हम हमारा फायर ट्रक तुम्हें दें। ये मेरे लिए ये बहुत अच्छी है। पर ये तो तुम्हारा फायर ट्रक है ना? कोई बात नहीं, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ये सच है मुन्ना, अब ये तुम्हारा है। मैं ये नहीं ले सकता। ये तुम्हारा खिलौना है, मुझे घर जाना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो हमसे ये खिलौना क्यों नहीं लेना चाहता? हाँ, हाँ, मुझे पता है। तुम्हारा क्या प्लान है छोटे? विशिंग ट्री हम सच में बना सकते हैं। आराम से बड़े, तुम अभी तक बता भी नहीं रहे हो कहाँ ले जाओगे। मैं तुम्हें एक अजूबा दिखाने ले जा रहा हूँ। वहाँ पर एक विशिंग ट्री है, अगर तुम कोई विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। सच में? यही रुको, तुम एक नई फायर ट्रक भी मांग सकते हो। हाँ, अच्छा आइडिया है। ये रहा वो। हाँ, ये तो एक साधारण सा पेड़ है, ये कोई अजूबा नहीं है। पर ये जादुई है, अपनी आंखें बंद करो और तुम्हें जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचो। अपनी आंखें मत खोलना, मैं अभी आया। हम तैयार हैं। मेरा सपना सच होना चाहिए। हे जादुई विशिंग पेड़, क्या मुझे एक फायर ट्रक मिल सकता है? मैं वादा करता हूँ टूटने नहीं दूंगा। ये तो फायर ट्रक है, ये तो सच है। ये तो सच में हमारी इच्छा पूरी करता है। वाह, शुक्रिया, तुम सबसे अच्छे हो। बहुत बढ़िया, मेरा फायर ट्रक। बड़े छोटे, बड़े छोटे, देखो तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। वाह। बड़े, जाओ जाकर अपनी फायर ट्रक ले आओ, हम साथ में खेलेंगे। पर मेरा तो वो हमसे खेलते हुए टूट गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम मेरे ट्रक के साथ खेलते हैं। बड़े, छोटे, मुन्ना, रिंकी, देखो मेरा खिलौना। ये तो बहुत अच्छा फायर ट्रक है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये एक तोहफा है, मुझे इच्छा पूरी करने वाली पेड़ से मिला है। फिशिंग ट्री यही पास में है, है ना बड़े? सच में? मुझे मेरी गुड़िया के लिए नए कपड़े चाहिए। मुन्ना, मुझे वहाँ पर ले चलो। चलो। रेंगे। बड़े, उन्हें सच मत बता, वरना मुन्ना उदास हो जाएगा। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मैंने सुना है वो पेड़ सो रहा है, इस वक्त वो सो जाता है। ठीक है ना, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। हाँ, बाय बाय छोटे बड़े, फिर मिलते हैं। अब हमें उसकी गुड़िया के लिए नया ड्रेस बनाना होगा। सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, अब ये काम नहीं करेगा। अब हम क्या करें? हमसे तो नहीं हो पा रहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, रिंकी वापस आती ही होगी, हमें कुछ करना होगा। चलो।
काम चल जाएगा। हाय विशिंग ट्री, क्या आप मेरी डॉल के लिए एक खूबसूरत ड्रेस दे सकते हो? मुझे उसे बहुत सुंदर दिखाना है। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यहाँ से तुम्हें होना चाहिए। मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। हाय विशिंग ट्री, क्या आप मेरी डॉल के लिए एक खूबसूरत ड्रेस दे सकते हो? मुझे उसे बहुत सुंदर दिखाना है। प्लीज मुझे ड्रेस दे दो ना। बहुत सुंदर है। विशिंग ट्री ने मुझे नया ड्रेस दिया है। ये, अब तुम्हें यकीन हुआ ना कि ये पेड़ जादुई है? ये बहुत अच्छी खबर है। हमें अपने दोस्तों को बताना चाहिए। हाँ। चलो। सारे दोस्तों को? अरे नहीं, रोको उन्हें। फिर मुझे ये ड्रेस मिला। लल्लू, चलो चलकर विश मांगते हैं। हाँ? ये तो और बुरा हो गया। मुझे मेरे घर जैसा एक बहुत बड़ा सलगम चाहिए। मैं अपनी खुद की स्पेसशिप मांगूंगा ताकि मैं कभी भी कहीं भी जा सकूं। छोटा। चलो दोस्तों, चलते हैं। चलो। तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों हम वहाँ नहीं जा सकते हैं? क्योंकि रात होने वाली है और तुम्हें कल उजाले में जाना चाहिए। नहीं, मैं वहाँ रात होने से पहले पहुँच जाऊँगा। शायद ये ठीक कह रहा है। विशिंग ट्री को भी आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत? हाँ ठीक है, फिर हम सब कल दोबारा मिलेंगे। कल हमें ज्यादा मजा आएगा। हम इतना बड़ा शलगम कभी नहीं ढूंढ सकते बड़े। और वो स्पेसशिप, मैंने तो ये सिर्फ किताबों में पढ़ा है। हाय बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये क्या है? ये तो बस एक पुराना कपड़ा है। ठीक है, उसे फेंकना मत। आज खाना थोड़ी देर से खाएंगे। मेरा एप्रॉन कहाँ है? मैंने सुबह तो यही रखा था। बहुत बुरा हुआ। बड़े छोटे, क्या तुमने मेरा एप्रॉन कहीं देखा है? क्या बात है, तुम घबराए क्यों हो? तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मम्मी को सब कुछ बताना चाहिए। मम्मी, वो हुआ कुछ ऐसा कि हम चाहते थे कि मुन्ना खुश हो जाए और ये सब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है, पर तुमसे जितना हो सके उतनी ही मदद करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। देखो, अब खाना भी उतना ही खाते हैं जितना जरूरी है। मैं समझता हूँ माँ। कल हम जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। दोस्तों, अब मुझे लगता है इच्छा पूरी करने वाला पेड़ तैयार होगा। हेलो बड़े छोटे, चलो चलो पेड़ को अपनी इच्छा बताते हैं। मंगू, वो विशिंग ट्री असली नहीं है। क्या? असली नहीं है? पर उसने तो मुझे फायर ट्रक दी। वो विशिंग पेड़ असली है। उसने मुझे ये ड्रेस दी है। तुम ये ट्रक लो, इसलिए हमने ये सब किया। हमें नहीं लगा था कि तुम ये सबको बताओगे। हमें माफ कर दो, पर असल बात ये है कि विशिंग ट्री तो है ही नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए सब हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने ये ड्रेस कैसे बनाई? ये असल में मेरी मम्मी के एप्रिन से बनाया है। अब समझ में आया। बड़े छोटे, ये सब करने के लिए शुक्रिया, पर ये फायर ट्रक, मैं ये तुमसे नहीं ले सकता। और मैं भी ये ड्रेस नहीं ले सकती। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। हमने ये सब बनाया क्योंकि हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। गार्डन, प्लीज ले लो, ये किसी भी शलगम से ज्यादा बड़ा है। बहुत अच्छा है, शुक्रिया छोटे। चलो। जादुई इच्छा पूरी करने वाला पेड़, आज मैं पहली बार सुबह जल्दी उठ गया और आपका भक्त होने के नाते मेरी एक विश पूरी कर दो, मेरी स्पेसशिप। हाय बच्चों, दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है और सबसे जरूरी भी। कभी मत भूलना, पर तुमसे जितना हो सके उतनी ही मदद करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे, फिर मैं